नमस्कार, आज हम खड़े हैं उज्जैन और इंदौर के बीच में, बड़नगर करके गांव है। हमारे मित्र है दिग्विजय सिंह चौहान, उनके यहाँ हमने नाइट स्टे किया था और उनका ये फार्म हाउस जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, खास करके हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का जो मध्य प्रदेश की जो जमीन है वो देखिए आप, खास करके मध्य प्रदेश की रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल काफ़ी फेमस है, जिसके कारण से यहाँ की जमीन काफ़ी उपजाऊ है। तो उसमें से ये जो खास करके जो सॉइल है वो एकदम प्रॉपर ब्लैक कलर की सॉइल है, जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में लहसुन, जो कि सल्फर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इवन आप कह सकते हो कि प्याज की भी अच्छी खेती होती है। हमारे सामने जो भी आप देख रहे हैं खेती, ये लहसुन की है, भारी मात्रा में इन्होंने लहसुन लगा रखा है। और एक और बात यहाँ के खेतों में जो पाई जाती है कि आपको यहाँ पे मोस्टली हर खेतों में एक विंड मिल भी देखने को मिलेंगे, जो अभी काफ़ी दूर है, यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हमारे पीछे की तरफ एक दो विंड मिल भी है जो यहाँ पे लोग खेडूत जो भाई है हमारे यहाँ के वो लगाते हैं। खास करके गुजरात के जो खेडूत हैं उनको यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए मध्य प्रदेश के खेडूतों के, कि आकर वो यहाँ की ज़मीन को देखें, यहाँ के फार्मिंग स्टाइल को देखें और किस तरह से इन्होंने अपनी लैंड को बिल्कुल भी बिगाड़ में नहीं रखा है। आप देखोगे हर एक कोना यहाँ का उपजाऊ है। खास करके अगर मैं मेरे ही खेत की बात करूँ या हमारे गाँवों की बात करूँ, तो वहाँ पर जो ज़मीन खेडूत जब उपजाऊ के लिए रखता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सर बिगाड़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है, हर एक कोने में वो छोड़ देता है। लेकिन आप यहाँ पे हर एक खेत में देखोगे कि ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ के खेडूतों का, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो हमारे जो खेडूत मित्र है खास करके बनासकांठा क्षेत्र के, उनको यहाँ पर आकर विजिट करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, कुछ ना कुछ खेतीबाड़ी के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो इन्हें चलाने चाहिए और किस तरह से अच्छा मैनेजमेंट खेती में किया जा सकता है ये सीख लेनी चाहिए। तो हम हमारे मित्रों के साथ आए थे और अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, उज्जैन के लिए अब हम रवाना हो रहे हैं, तो अगला स्टे हमारा उज्जैन का रहेगा। धन्यवाद। तमाम।